हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जब से शायद आपने आपका फोन अनलॉक किया होगा, तब से आपकी न्यूज़ देख रहे होंगे कि सीए एग्जाम्स कैंसिल हो चुकी है। यस, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर कि एग्जाम्स ही कैंसिल हो गई, बट ये करना कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट था और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है सीए स्टूडेंट्स के लिए। बट कहीं ना कहीं जो सीए स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से डायलेमा में है या कन्फ्यूजन में है कि क्या अब हमारी एग्जाम्स कैंसिल होने के भी चांसेस बढ़ गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर कर पूछ रहे थे कि मैम आपको क्या लगता है कि हमारी भी एग्ज़ाम्स कैंसिल हो सकती है क्या। मैंने ना ICAI का जो नोटिफिकेशन आया है उसे थोड़ा सा पढ़ा और एनालाइज़ किया। उसमें ऐसे कुछ रीजंस दिए हैं जो काफ़ी ट्रू है और जो शायद हमारे लिए भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। चलो तो एक बार देखते हैं कि क्या रीजंस दिए गए हैं। कि हमें ऐसे लगा था कि COVID-19 का जो पूरा सिचुएशन है वो एग्ज़ाम्स जब कंडक्ट होने वाली है जैसे कि जुलाई तक थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, बट उसकी जगह ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। एंड सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन लोगों ने स्कूल्स और कॉलेजेस को एक्सटेंड कर दिया उनका क्लोजर। तो बहुत सारी ऐसी स्कूल्स और कॉलेजेस है जो अभी तक क्लोज्ड ही है। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट वहाँ पर एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं कर सकती अपनी, क्योंकि उनको परमिशन ही नहीं है, क्योंकि जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो खुलने को अभी काफ़ी टाइम है। अदर थिंग जो मुझे ऐसे लगा, यहाँ पर दिया है इन ऑर्डर टू इंश्योर द इंटरेस्ट ऑफ इट्स स्टूडेंट्स एंड देयर वेल बीइंग। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है कि हम एग्ज़ाम्स अगर देंगे तो क्या हम अच्छे से दे पाएंगे, कहीं हमें तो नहीं हो जाएगा। जब भी ये ऑप्ट आउट का ऑप्शन आया था सारे स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज थे कि अगर हमें हो गया तो, या फिर अगर हमारी फैमिली को कुछ हो गया तो। सो दैट इज़ वाई ICAI ने ये वाला नोटिफिकेशन लाया और ये सारे रीजंस दिए हैं। अब ये सारे फैक्ट्स के चलते मुझे ऐसे कहीं ना कहीं लगता है कि CS की भी एग्ज़ाम्स कैंसिल होने के चांसेस काफ़ी हाई है, क्योंकि अगस्त दूर नहीं है और हमें अभी तक कोई परमानेंट सोल्यूशन मिला नहीं है, राइट? लास्टली जो हमारी इंस्टीट्यूट है ICSI, मैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आने वाला है तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ थोड़ा ये नोटिफिकेशन जल्दी ला दें। रीज़न बीइंग स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होते हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा, तो हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एंड फॉर स्टूडेंट्स दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ ये सारी न्यूज़ के चलते आपकी पढ़ाई जो है उसको हैम्पर मत कीजिए। अगर आप अभी भी 2 घंटे पढ़ रहे हो दैट इज़ ओके, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। जितना टाइम आपसे हो सकता है उतना टाइम आप पढ़ो, बट एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऐसा हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए नॉर्मल हो जानी चाहिए। इट्स जस्ट अनदर डे एंड दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू लर्न कि चाहे कुछ भी हो जाए इंस्टीट्यूट्स अपने स्टूडेंट्स के लिए सोचती ही है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर देयर टॉप प्रायोरिटी। सो दैट्स इट गाइस, जब तक कि कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है अपनी पढ़ाई कंटिन्यूड रखो, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, एंड जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तो हम मिलेंगे ही, राइट? Thank you so much for watching. See you in the next video. Outro.